नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे जो वीडियोज हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। तो दोस्तों, हम पर्यावरण के बारे में कुछ आपको प्रश्न ले आए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें। और इन प्रश्नों में हो सकता है कि कोई रीडिंग राइटिंग में मिस्टेक हो, तो उसके लिए आप कमेंट में सुधार सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर ये उत्तर होना चाहिए, तो हम उसमें सुधार करेंगे आगे से। जो है आप भी इसमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें ये गलती हो गई है। तो दोस्तों, आज पर्यावरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। जो भारत है, जो हमारा देश भारत है, उसमें सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, तो वो है साहब मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। साहब मध्य प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इन सभी जो गैसें हैं इनसे वायु प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है? वो होता है साहब वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो वो की जाती है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को अगर हमें मापना है तो वो हम किस यंत्र से मापेंगे? वो मापेंगे साहब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण से। इसका जो है जल का प्रदूषण कितना हो गया है उसके बारे में हम इसका मापन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? तो वो साहब वायु प्रदूषक है। इसे क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय जो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? तो वो साहब नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है साहब। चूंकि पर्यावरण से बात कर रहे हैं तो पर्यावरण मतलब होता है प्रकृति से लगाया जाता है, जहाँ वन पाए जाते हैं तो और पौधे पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ पर क्या रहता है साहब? नांग रहता है, नांग देवता रहते हैं। तो नांग पर्यावरण जो अनुसंधान केंद्र होगा तो वो कहाँ होगा? नांग, नांग से बना नागपुर। नागपुर है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? वो होगा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किन किरणों से करती है? जो वायुमंडल है जिसमें जो ओजोन परत होती है वो हमारी रक्षा किन किन किरणों से करती है? तो वो करती है परावैगनी किरणों से। जो सूर्य से परावैगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं उनको रोकती है कौन सी परत? वो रोकती है ओजोन परत। ओजोन परत जो है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है, जिससे कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उनसे हम बच जाते हैं। कैंसर जैसी जो बीमारियां आज चल रही हैं वो परावैगनी किरणों के कारण भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है साहब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है, जिसका जो परसेंट है वो है 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है साहब प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बार बार जो है पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेई क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और हम सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम पर्यावरण में देखें तो 5 शब्द हैं साहब, और पर्यावरण दिवस जब हम मनाएंगे तो 5 जून को ही मनाएंगे। कब मनाएंगे? 5 जून को ही मनाएंगे साहब, क्योंकि जो पर्यावरण में 5 जो है अक्षर आते हैं, तो 5 जून को हम क्या मनाएंगे? पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो अच्छे से पढ़ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर आती तो हैं लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वो वापस नहीं जाती हैं। तो
जो पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है, पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है तो वो यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस को जो वृक्ष होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। सब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में देखें तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं, अर्थात जो किरणें यहाँ पर रहती हैं जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है साहब, काय के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है ना कि घटता है, तो ग्रीन हाउस कार्य क्या होता है, बढ़ जाता है साहब। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, राष्ट्रीय जो वन नीति है उसके अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तो वो साहब 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तभी हमारा एक पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस क्या है, जो ग्रीन पीस है वो एक पर्यावरण योजना है, ग्रीन पीस क्या है, एक पर्यावरण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या है सब, जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड के चमोली ग्राम में, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वो था साहब वनों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा, लोग वनों की सुरक्षा के लिए वृक्षों से चिपक गए ताकि वनों की कटाई ना हो सके, और उस समय जो आंदोलन चला वो चिपको आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई 1980 में, 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई साहब, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो वो की गई 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र संघ संचालित करती है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नैरोबी केन्या में, जो नैरोबी शहर है वो है केन्या में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है, वो है नैरोबी में। साहब अगर पर्यावरण असंतुलित हो जाता है तो साहब हमें क्या, सबको रोना पड़ेगा, असंतुलित अगर पर्यावरण हो जाएगा तो सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्यावरण है वही हमारी पृथ्वी को, हमारे जो पर्यावरण है सभी को पर्यावरण संतुलित करके रखे हुए हैं, पर्यावरण को संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। तो जो पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम UNEP कहते हैं, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ इस कार्यक्रम का संचालित करती है तो यहाँ कहा गया है कि नैरोबी, नै मतलब होता है नहीं और रोबी मतलब होता है रोना, तो नहीं रोना, अर्थात रोना नहीं पड़ेगा हमें भविष्य में, क्योंकि जो है हम सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, पर्यावरण कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें ओजोन गैस उत्पादित होती है साहब, ओजोन गैस उत्पादित होती है फोटोकॉपी मशीन में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, जो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो वो लिया गया है साहब पांडा को, पांडा एक प्रकार का पशु है जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, वो है मध्य प्रदेश, तो साहब टाइगर राज्य है, मध्य प्रदेश क्या है, टाइगर राज्य। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था साहब, के एम मुंशी साहब ने क्या किया था, वन महोत्सव प्रारंभ किया था। और आपने भी सुना होगा कि वन में वन की जो रक्षा करते हैं जो सिपाही होते हैं उनको भी हम मुंशी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुंशी जी कहते हैं। तो वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, वो किया था के.एम. मुंशी ने, क्योंकि जो है वन की सुरक्षा करने वालों को हम मुंशी कहते हैं, तो के.एम. मुंशी साहब ने क्या किया था, वन महोत्सव का प्रारंभ किया था। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष है तो वो है स्विट्जरलैंड में विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थापित किया गया था। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला जो फल वृक्ष है वो है साहब खजूर, खजूर का वृक्ष आपने देखा हो तो बहुत लंबा लंबा है और सबसे प्राचीन काल से खजूर का वृक्ष उगाया जाता है। सफोकेशन क्या है, सफोकेशन जो है वो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है
और उसका जो जीवों पर प्रभाव पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, सफोकेशन कहते हैं। सब जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, जो जलवायु परिवर्तन है उसमें किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, तो वो होती है ग्रीन हाउस गैसों की। ग्रीन हाउस गैसों की जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका होती है। साहब ग्रीन हाउस जो होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड किसी कंबल के समान पृथ्वी से की सतह से परावर्तित होने वाली अवरक्त प्रकाश को क्या कर लेती है, अग्रहित कर लेती है, जिसके कारण जो है वायुमंडल गर्म हो जाता है और इसी वायुमंडल के गर्म होने को क्या कहते हैं हम, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव इसको कहा जाता है। तो जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की जो है मुख्य भूमिका होती है, तो ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, तो वो है CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। सब सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है तो वो है CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानी जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्लोरीन एवं कार्बन CFC का संयुक्त रूप है। साहब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, और यहाँ शायद कोई मिस्टेक हो गया हो, तो CFC जो गैसें हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का संयुक्त रूप माना जाता है। साहब तो भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है, जो भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है, तो वो होता है साहब स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में सो है CFC का प्रयोग होता है। इन सभी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इनसे CFC गैसें निकलती हैं, जो ओजोन परत में क्या करती हैं साहब, छिद्र करती हैं, जिससे जो है पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं, जिससे भयंकर जो बीमारियां होती हैं उनका जो है फैलने का बहुत ही खतरा रहता है। तो CFC जो गैसें हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा साहब, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम होगा कि ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव का जो प्रत्यक्ष प्रभाव अगर पड़ने लगा तो जो ग्लेशियर हैं वो क्या होंगे, पिघलने लगेंगे, और जो है बाढ़ जैसी बहुत महामारियों का जो है हमें सामना करना पड़ेगा। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, वृक्षों का आदमी कहा जाता है साहब सुंदरलाल बहुगुणा जो है एक प्रसिद्ध हस्ती है सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने वन सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया था। तो भारत में वृक्षों का आदमी कैसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। और वृक्षों से क्या है साहब, वृक्षों से ही इस देश की सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता है। तो वृक्षों का आदमी कैसे कहा जाएगा साहब, सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता से तात्पर्य है जीवों की विविधता है कि एक स्थान पर जीवों की विविधता ही जैव विविधता के अंतर्गत आती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो है लखनऊ में साहब। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में जो है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साहब, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का जो ईंधन है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है साहब, भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ओजोन कवच, ओजोन परत को क्या कहा जाता है, पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। क्योंकि जो है सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको रोकने वाली जो परत है वो है ओजोन परत, जिससे कि वायुमंडल तक वो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो वायुमंडल पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। रेड डाटा बुक का संबंध है वो है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। जो रेड डाटा बुक है वो उसका जो है जो वन्य जीव जो प्राणी हैं जिनकी जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं और जो संकट के दौर से गुजर रही हैं उससे संबंधित है रेड डाटा बुक का संबंध उनसे है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे प्रदूषित नगर है वो है मैक्सिको सिटी। जो मैक्सिको सिटी है वो जो है विश्व का सबसे प्रदूषित नगर माना जाता है साहब। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है, तो वो है विस्कॉसिन। विस्कॉसिन में जो है
स्थित है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है साहब? सीएनजी का पूर्ण जो फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को नापने के लिए। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय वर्षा होती है उससे क्या है, दीवारें जो है पीली पीली पड़ती पड़ जाती हैं और जिससे कि क्षरण होने लगता है। तो ताजमहल के पीले पड़ने और उससे क्षरण होने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जो देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है तो वो है बेंगलोर में, बेंगलोर में स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो है अहमदाबाद गुजरात में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया। साहब इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी जो वानिकी अकादमी वो है देहरादून में जो है इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थापित की गई। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून में। साहब भारतीय जो वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो है देहरादून में स्थापित किया गया है। और भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो वो है भोपाल में। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में है। और भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। तो दोस्तों हमने कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ अगर राइटिंग या स्पीकिंग में कुछ गलती हो गई हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हम भी इसमें दोबारा एक चेक करने का प्रयास करेंगे और इसमें हम भी कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है और इसका सही सही आंसर ये है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। गलतियां तो होती हैं, उसमें सुधार भी होता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है, IAS स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सीधी आप तक पहुंचेगी और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक कर लें तो आपके पास सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचेगी। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में नंबर लिख सकते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सर्च करें स्टडी ट्रिक और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपनी कॉलेज कोचिंग क्लास के जो भी मित्र हैं उनको शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह हमने इस वीडियो में किया है। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है वो है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने छोटे किसानों के लिए खालिस्तान का शुभारंभ किया है। तो इसका उत्तर है ग्रीन फैबलेट का प्रारंभ किया है। किसने किया है? ICRISAT ने, छोटे किसानों के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन फैबलेट को किसके उपयोग के लिए बनाया गया है? तो इसका उत्तर है छोटे किसानों के उपयोग के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो कि एक गैर लाभकारी कृषि अनुसंधान संगठन है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है?
तो इसका उत्तर है मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई और चावल के छिलके जैसे कि हम भूसी बोलते हैं, उससे क्या है बायोमास प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु संबंधी लीमा घोषणा पत्र को किसके समापन पर जारी किया गया था, तो इसका उत्तर है COP20 के समापन पर इसको जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडो किस श्रेणी का पक्षी है, तो इसका उत्तर है विलुप्त श्रेणी का पक्षी माना जाता है डोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है, तो इसका उत्तर है सफर एयर। वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए सफर एयर एप्लीकेशन मोबाइल, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है, वो शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक नाइट्रोजन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या नहीं है, तो इसका उत्तर है समताप मंडल में ओजोन रिक्तिकरण नाइट्रोजन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न एक प्रमुख समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैली से निर्मल पुनरुद्धार योजना का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की सिफारिश पर शुभारंभ किया गया, तो वो किया गया यमुना, मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना का शुभारंभ किया गया। भारत हर साल 4.3 लाख टन खतरनाक कचरा उत्पन्न करता है, इस खतरनाक कचरे से निकले दो रसायनों के सीधे संपर्क में आने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, उन दो रसायनों के नाम क्या है, तो उनका नाम है पारा और साइनाइड, ऐसे दो रसायन हैं जिनसे कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कन्वेंशन के तहत भारत एक तय समय सीमा के अंदर ODS ओजोन रिक्तिकरण पदार्थ के उत्पादन व खपत को नियंत्रित करेगा, तो इसका उत्तर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है, तो इसका उत्तर है फ्लैट बैक जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाली प्रजाति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशालकाय पांडा बर्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक है, यह जानवर किस देश में पाया जाता है, तो इसका उत्तर है चीन में पाया जाता है पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर है 1916 में जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो वो था वन्यजीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का जो है इसका उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत हैं, तो वो है यूरेनियम जो है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से खालिस्तान से बना होता है, तो इसका उत्तर है कार्बन, कार्बन से बना होता है जीवाश्म जो ईंधन होता है वह किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनबिजली की श्रेणी में आती है, तो क्या आती है, ऊर्जा के अक्षय स्रोत जो है वो पनबिजली की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है, तो इसका उत्तर है बढ़ती हुई जनसंख्या, जिस प्रकार से आज जनसंख्या बढ़ रही है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का बाह्य हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर है जीवमंडल, पृथ्वी का बाह्य हिस्सा जहाँ पर जीवन यापन है उसे हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका उत्तर है स्थलमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग 50% क्षेत्र जलमंडल है, तो कितने 50% है, वो है 70% जो है क्षेत्र पर पानी या जलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थलमंडल में सबसे बड़ा घटक है, तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है स्थलमंडल में सबसे बड़ा घटक माना जाता है जो कि एक जीवनदायिनी के रूप में जिसे हम मानते हैं। भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है, तो इसका उत्तर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली के खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका उत्तर है पर्यावरण, जो सलीम अली साहब हैं वो पर्यावरण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है कोलकाता में जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द खालिस्तान से लिया गया है, तो इसका उत्तर है यूनानी भाषा से जो है पारिस्थितिकी शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है, तो पारिस्थितिकी जीवों पौधों और जानवरों और उनके अध्ययन से संबंधित है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका उत्तर है अर्नेस्ट
हेकल ने जो है पास्ट की शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा पाटकर किससे संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है नर्मदा बचाओ जो आंदोलन चला था या चल रहा है उससे संबंधित है मेधा पाटकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? तो इसका उत्तर है विकिरण के रूप में जो है सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण खालिस्तान के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है पानी के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का निर्माण पानी के द्वारा किया जाता है। संश्लेषण पिगमेंट किसको अवशोषित करता है? तो इसका उत्तर प्रत्यक्ष विकिरण को जो है संश्लेषण पिगमेंट अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की श्रेणी में आते हैं? तो इसका उत्तर है शाकाहारी। शाकाहारी पौधे शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। आपने खाद्य श्रृंखला जो है पढ़ी होगी, सबसे पहले जो है उत्पादक फिर उपभोक्ता, इस प्रकार से उत्पादक होते हैं पौधे, उपभोक्ता और उनके बाद जो भी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो पौधे जो है शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है चार्ल्स डार्विन ने जो है ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो दोस्तों, हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज पढ़ा जो कि पर्यावरण से संबंधित है, और पर्यावरण से संबंधित ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप पिछले पेपर उठाकर दे सकते हैं, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। और आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं, चाहे वो जीके हो, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण और भी वीडियो, मनोविज्ञान हो, सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे और लाभकारी आपको जरूर होंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि आप हमसे सीधे जुड़ जाएंगे और हमारे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन सीधी आप तक पहुंचेगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और चैनल के नीचे जो आपको एक घंटी का निशान दिखा रहा है उस पर क्लिक जरूर करें। आप हमसे सीधे जुड़ जाएंगे, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, आपने सब्सक्राइब कर लिया और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं ताकि उनको भी लाभ हो सके। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है, आईएएस स्टडी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे हम बता दें कि जो आईएएस स्टडी ट्रैक चैनल है ये यूट्यूब का बहुत ही जो है सफलतम चैनल माना जा रहा है। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस चैनल से आप जरूर जुड़ें और हमारे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट पर जाके देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो मिल जाएंगे और आप उन वीडियो को देखकर अपने आप को धन्य समझेंगे। दोस्तों, तो आप हमें सलाह भी दे सकते हैं कि किस प्रकार की वीडियो की आपको आवश्यकता, उस प्रकार की वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में इन फैक्टों से जो है क्वेश्चन बनते ही हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करें और जो नीचे जो घंटी की एक चिन्ह दिखाई दिया होगा उस पर भी सब्सक्राइब करें। अब सब्सक्राइब करने से होगा क्या? सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो उपलब्ध अपलोड किए जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक सीधी पहुंचेगी और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो कैसा लगा, आप जो है वीडियो को देखकर पूरा पढ़कर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर भी लिख सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च कर सकते हैं स्टडी ट्रैक, जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे जुड़ें, आप हमसे जुड़ें, इसी तरह हम नए नए वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का सर्वे और अन्वेषण देश के पौध संसाधनों की अन्वेषण और आर्थिक महत्व की पौध प्रजातियों की पहचान भारतीय वनस्पति सर्वे करता है। इसकी स्थापना 16 फरवरी 1890 को हुई थी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI देश के लिए उस तरह के सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान में संलग्न है जिससे देश की समृद्ध जंतु विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो। वर्ष 1916 में स्थापित ZSI का मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न भागों में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान ने हाल ही के वर्षों में अपने सर्वेक्षणों और अध्ययन को
5 प्रमुख कार्यक्रमों में समन्वित कर अपनी कार्ययोजना को पुनर्गठित किया है और भारतीय वन संरक्षण FSI पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला ऐसा संगठन है जो देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना एवं आंकड़े एकत्र करता है। इसके अलावा प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तारण का कार्य भी यह संगठन करता है। इसकी स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून में और 4 क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन ITTO का उत्पादक सदस्य है, जिसकी स्थापना 1983 में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौते के तहत की गई थी। इस समय ITTO में 59 सदस्य हैं, जिनमें 33 उत्पादक और 26 उपभोक्ता सदस्य देश हैं। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय क्षेत्र हैं। अब तक 14 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये आरक्षित क्षेत्र हैं नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन, सिमलीपाल, डिब्रू, देकोवा, देहंग, दिबांग, पचमणी, कंचनजंगा और अगस्तमलाई और अचानकमार, अमरकंटक। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्रदान की गई है। ये 4 क्षेत्र हैं नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी और उत्तराखंड का जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। नंदा देवी शेष जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को विश्व नेटवर्क में शामिल करने के प्रयास जारी हैं। जैवमंडलीय आरक्षित प्रमुख क्षेत्र का संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी रहेगा। आर्द्रभूमि वह भू क्षेत्र है जो शुष्क और जलीय इलाके से लेकर कटिबंधीय मानसूनी इलाके में फैली है और यह वह क्षेत्र होता है जहां उथले पानी की सतह से भूमि ढकी रहती है। पर्यावरण मंत्रालय 1987 से कच्छ वनस्पति संरक्षण कार्यक्रम चला रहा है। भारत में कच्छ वनस्पतियां विश्व का लगभग 5% हैं और ये तटीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। भारत में कच्छ वनस्पतियों के कुल क्षेत्र का आधे से थोड़ा सा कम पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में हैं। भारत में विश्व की कुछ सर्वश्रेष्ठ कच्छ वनस्पतियां हैं। मंत्रालय ने उड़ीसा में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र स्थापित किया है। कच्छ वनस्पति और प्रबाल वृत्तियों की राष्ट्रीय समिति ने 4 क्षेत्रों अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में प्रबाल भित्तियों के गहन संरक्षण और प्रबंधन की सिफारिश की है। भारतीय प्रबाल भित्ति क्षेत्र लगभग 2375 वर्ग किलोमीटर है। कठोर और नरम प्रबाल भित्ति के संबंध में बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रबाल भित्ति अनुसंधान केंद्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया है। जैविक विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD पहला समझौता है जिसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। CBD के 184 देश सदस्य हैं। यह आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। रिकॉम्बिनेंट फार्मा पर डॉक्टर RA मासेलकर की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय कार्यदल का गठन किया गया ताकि आर फार्मा उत्पादों की विनिमय व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा सके। तो दोस्तों, आपका अपना चैनल IAS स्टडी ट्रिक आप देख रहे थे। दोस्तों, आपने देखे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं और इन फैक्टों में से एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं। कोई भी परीक्षा हो उनमें से एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे MPPSC हो, SI हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन फैक्टों में से एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन फिर से करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपने हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देखा क्या, और नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को खोलें और उसमें विभिन्न प्रकार के जो वीडियो उपलब्ध हैं आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन वीडियो को देख सकते हैं। चाहे हिंदी हो, GK, मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, जो भी हो, सारे वीडियो उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश GK से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनमें से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर करें
और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है, IAS स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता है। और आप सबसे बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कमेंट में अपना नंबर लिख सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करें स्टडी ट्रिक। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो इसका उत्तर है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाती है? तो इसका उत्तर है जल प्रदूषण को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो इसका उत्तर है पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका उत्तर है प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है 33% भाग पर वन का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण योजना। जो ग्रीन पीस है वह एक पर्यावरण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है वनों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर है 1980 में जो है पर्यावरण भारत सरकार ने केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है नैरोबी में, अर्थात जो केन्या में है। आपको हम बता दें कि जो प्रमुख संस्था है उनके मुख्यालय का हमने वीडियो पिछले एक दो दिन पहले डाला है, आप देख सकते हैं। सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है संस्थाओं के प्रमुख मुख्यालयों के बारे में से, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो इसका उत्तर है ओजोन गैस उत्पादित होती है फोटोकॉपी मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो इसका उत्तर है पांडा को जो है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है KM मुंशी साहब ने जो है वन महोत्सव प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर है खजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफोकेशन क्या है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव ही सफोकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका उत्तर है ग्रीन हाउस गैसों की प्रमुख भूमिका होती है जलवायु परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो इसका उत्तर है क्लोरीन एवं कार्बन जो है इनका संयुक्त रूप माना जाता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो इसका उत्तर है ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव का जो अगर प्रत्यक्ष प्रभाव देखें तो इससे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और बाढ़ जैसी भयंकर आपदाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा को जो है भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसीबल से माना जाता है? तो इसका उत्तर है 65 डेसीबल से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है विस्कॉन्सिन में जो है एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स US स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो इसका उत्तर है मेक्सिको सिटी जो है वह विश्व का सबसे प्रदूषित नगर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बंगलोर जो है बेंगलोर में है जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है अम्लीय वर्षा के कारण जो है ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका उत्तर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के संदर्भ में द डर्टी डजन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है 12 अनवरत जैविक प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन में एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि यह एक अंतःस्रावी नुकसान करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मार्बल के बने भवनों पर अम्लीय वर्षा होती है वह अंतिम उत्पाद क्या होता है जिसकी पपड़ी आसानी से हट जाती है? तो इसका उत्तर है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है यही जो है हमारा पर्यावरण कहलाता है। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा नेता कौन है? तो इसका उत्तर है मेधा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो इसका उत्तर है वायुमंडल की आर्द्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है उद्यान कृषि से संबंधित है स्वर्णिम क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में गैबियलिस या घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका उत्तर है क्षोभ मंडल में। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान किस नगर में है? तो इसका उत्तर है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इसका उत्तर है आर्थिनियस जो है सर्वप्रथम ग्रीन हाउस प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है प्रोण पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वन पारिस्थितिकी। तो दोस्तों, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखा। आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको सारे के सारे वीडियो उपलब्ध हैं, चाहे वो ट्रिकी वीडियो हो, चाहे क्वेश्चन आंसर से वीडियो हो, और चाहे हिंदी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र हो, सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उनको बड़े ही आसानी से देख सकते हैं और आपको जो भी
समस्याएं हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।